त्वचा में संक्रमण होने पर लाल निशान, रैशेज, खुजली और दाने, इनसे छुटकारा पाने के लिए आप जीरे को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, स्किन इन्फेक्शन में अगर आप जीरे को मेरे द्वारा बताए गए तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपका इन्फेक्शन सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए, त्वचा में जो संक्रमण होता है ना, ये कोई आम समस्या नहीं है। वैसे भी मौसम कोई भी हो, संक्रमण होना एक आम बात है, क्योंकि ये गंदगी के कारण होता है। अगर आप अपने शरीर को अच्छे तरीके से साफ नहीं करेंगे तो त्वचा में संक्रमण हो जाता है। देखिए, कुछ लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, इस कारण भी वे संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं। तो आप भी अगर त्वचा संक्रमण से पीड़ित हैं तो परेशान मत होइए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अपनी त्वचा की संक्रमण को जीरा कैसे दूर करता है और क्या क्या चीजें सही करता है। तो देखिए, रूखी त्वचा में खुजली, रेडनेस या दाने हो जाते हैं, ऐसे में जीरे का इस्तेमाल फायदेमंद होता है, क्योंकि जीरे में विटामिन ई होता है। देखिए, त्वचा को मॉइस्चराइज रखने में मदद करता है जीरा। जीरा में एंटी फंगल गुण होते हैं। फंगल इन्फेक्शन होने पर भी जीरे का इस्तेमाल किया जाता है। जीरे की मदद से मुहासे, चकत्ते और फोड़े जैसी समस्या का इलाज किया जा सकता है। इसमें थायमोल, फॉस्फोरस जैसे तत्व मौजूद होते हैं। जीरे में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। सूजन कम करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि जीरे को आप किन किन तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप जीरे का पानी बना सकते हैं। त्वचा में संक्रमण को दूर करने के लिए अपनी डाइट में आपको देखिए जीरे का उपयोग करना है। आप जो भी खाते हैं उसका सीधा असर आपकी त्वचा पर पड़ता है, क्योंकि त्वचा में संक्रमण करने के लिए जीरे का पानी पीना चाहिए, क्योंकि जीरा में एंटी फंगल और माइक्रोबियल गुण होते हैं जिनसे इन्फेक्शन ठीक हो सकता है। जीरे को पानी में उबालें और उसे छानकर सुबह खाली पेट पी लें। अब देखिए, आप जीरे के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। संक्रमण होने पर आप जीरा पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मानसून के दौरान अगर अक्सर लोगों के हाथ या पैर में लाल निशान या दाने नजर आते हैं तो ऐसा संक्रमण होने के कारण होता है। संक्रमण को दूर करने के लिए जीरा पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। जीरा पाउडर में टी ट्री ऑयल और नीम की पत्तियों का पेस्ट मिलाना चाहिए। इस मिश्रण को संक्रमण वाले हिस्से में लगाने से आपको आराम मिलता है। तो देखिए, अब आप अपने इन तरीकों से आप अपने त्वचा के संक्रमण से छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपकी भी स्किन पर कभी संक्रमण हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट में।